हम खेलने तो यहाँ पे स्नूकर आए थे, पर किसी ने यहाँ पे प्रीमियम सा बॉक्स रख दिया, और इस प्रीमियम और भारी बॉक्स को खोलने की एक्साइटमेंट मुझे बहुत ही ज्यादा हो रही है। इसमें तो मेरा चेहरा भी दिख रहा है। ओए होए, कैसा लग रहा हूँ मैं? बाबा सारा मूड खराब कर दिया। ओ भाई, इसने तो हमें एप्पल ने आईफोन 15 सीरीज भेजी है भाई, लोन से पहले ही। अब आप बोलोगे लोन से पहले कैसे? जलवा है हमारा। और भाई इस बार नामकरण कुछ अलग सा लग रहा है, आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 अल्ट्रा। नहीं बचाती है भाई ये तो, पर कुछ सुना सुना लग रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि iPhone 15 सीरीज आपके लिए क्या कुछ लेके आ सकती है। हमने हवालों से खबरें निकाली हैं, इधर उधर से इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज, हर जगह से जुगाड़ी है इन्फॉर्मेशन। और रही बात डिजाइन की कि कैसा दिखने वाला है, तो वो तो आज भरी सभा में हम ऐसे ही अनवील कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। भाई ये बिल्कुल नकली आईफोन खरीदते ना, बिल्कुल वही वाली पॉलिथीन है ये। पहले सेटिस्फेक्शन तो ले लूं। ओ भाई, कुछ देखी देखी सी फील अगेन। तो इसको रखते हैं साइड में। अब बारी है 15 प्लस की। ओके, एक्साइटमेंट भाई, नेक्स्ट लेवल आईफोन है आखिरकार। क्या बात, 15 प्लस एंड नाउ प्रो सीरीज आईफोन 15 प्रो। ओए ये हुई ना बात, आईफोन 15 प्रो एंड 15 अल्ट्रा। इसके लिए तो एक्साइटमेंट ऐसे गदगद हो रही है भाई, अंदर से निकल के आ रही है। तो क्या खास होने वाला है, जरा देख लिया जाए। मार दिया जाए। यस। तो ये होगा इस बार का पूरा iPhone 15 लाइनअप। और भाई 15 अल्ट्रा में और 14 अल्ट्रा में मुझे कुछ ज्यादा डिफरेंसेस दिख नहीं रहे हैं, ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, पर कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो फेस टच के साथ ही फील होती हैं, और उसके बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो देखते ही फील होता है वो ये कि आज तक के जितने भी आईफोन थे किसी में भी भाई माई टाइप सी पोर्ट नहीं था। अब देखो ये आईफोन XR है, ये आईफोन 12 है, ये आईफोन 14 प्रो मैक्स है, लेकिन जो 15 सीरीज है उसमें सारी में टाइप सी है, चाहे वो आईफोन 15 हो प्रो या फिर अल्ट्रा, सब में टाइप सी पोर्ट्स हैं। मतलब भाई एप्पल भी अपना चुका है, अब किसी का चार्जर किसी में भी डालो, चाहे वो घड़ी हो, फोन हो, आईफोन हो, एंड्रॉइड हो, सब में चलेगा। लेकिन अगर इतने सालों बाद एप्पल ने टाइप सी पे शिफ्ट किया है तो डेफिनेटली कोई झोल तो पक्का है। तो रूमर्स के अकॉर्डिंग जितने भी एप्पल सर्टिफाइड केबल हैं उनमें आप लिमिटलेस काम कर पाओगे जितने अभी कर रहे हो, लेकिन अगर बिना एप्पल सर्टिफिकेशन के कोई भी केबल आप लेने जाते हो तो उसकी फंक्शनलिटी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होगी। मतलब आईफोन तो आईफोन केबल से भी प्रॉफिट बनाया जा रहा है, मतलब वो भी एप्पल की ही होनी चाहिए। तुम कुक भैया कहां तक, मतलब जिंदा छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, खून भी चूस लोगे? लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि रूमर्स के अकॉर्डिंग यूरोपियन यूनियन ने ये तक कहा हुआ है कि सब में टाइप सी होना चाहिए, और अगर कोई अदर कंपनी की केबल यहां पे अच्छे से काम नहीं कर पाती है आईफोन के साथ तो वो एप्पल 15 सीरीज की सेल तक को बैन कर देंगे। तो अगर ये चीज सच हो जाती है तो भाई फिर तो किसी की भी लगाओ, 150 रुपए 200 रुपए वाली काम करेगी और करनी ही चाहिए। मजा आएगा। बोले तो एप्पल को दिन दहाड़े धमकी कि टाइप सी दो, नहीं दी तो हम देंगे बैन लेटर। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज डिजाइन की। तो अब जितने भी आईफोन आ रहे हैं, 15 प्रो हो चाहे 15 प्लस हो चाहे नॉर्मल 15 हो, सब में आपको मैट फिनिश दी गई है। जो सेम फिनिश आपको 14 प्रो मैक्स के साथ देखने को मिलती थी या 14 प्रो के साथ मिलती थी ना, वो आपको नॉर्मल नॉन प्रो वेरियंट्स में भी मिलने वाली है। मतलब ये बिल्कुल सिमिलर है और ये बहुत ही प्रीमियम टच प्रोवाइड करती है। मतलब जितने भी नॉन प्रो आईफोन थे यहाँ पे आपको ग्लोसी फिनिश मिलती थी, वही 15-20 हज़ार के फोन में जो मिलती है, लेकिन भाई टाइम आ चुका है कि टच करके फील करेंगे। और एक और सबसे बड़ा डिफरेंस, आप iPhone 14 Pro और 14 Pro Max को देखोगे तो यहाँ पे बड़ी ही शार्प एजेस आपको देखने को मिलती है। मतलब ऐसे में अगर इसको करने बैठूं तो देखो यहाँ पे निशान पड़ जाएगा कि भाई कुछ तो कटीला लगाया गया है यहाँ पे। लेकिन इस iPhone 15 सीरीज की जो एजेस है ना वो इतनी शार्प नहीं है, यहाँ पे थोड़े से आपको राउंड एजेस मिलते हैं जिसकी वजह से ये कंफर्टेबल लगता है, हाथों में चुभता नहीं है, चाहे आप इसको कितना भी जोर से पकड़ लो और चाहे पकड़ के तोड़ दो। और अब तक जितने भी आईफोन आए हैं
आईफोन की एक स्पेशलिटी रही है कि यहाँ पे आपको मिलता है एक म्यूट स्विच, चाहे आईफोन XR हो, चाहे आईफोन 12 हो, चाहे 14 प्रो मैक्स ही क्यों ना हो, सब में एक म्यूट स्विच है जहाँ पे आराम से इसको स्विच कर सकते हो। लेकिन जो आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स होंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा ये एक्शन बटन। एप्पल की हिस्ट्री में अब तक नहीं हुआ है कि इस बटन के साथ छेड़छाड़ हो। जो आपको सेम एप्पल वॉच अल्ट्रा में मिलता है वो का वो एक्शन बटन यहाँ पे 15 सीरीज के साथ भी मिल रहा है। और ये एक्शन बटन जो है वो कस्टमाइजेबल होगा, मतलब जैसे एप्पल वॉच अल्ट्रा का है ना, इसके साथ दो तीन टास्क आप ऐड कर सकते हो कि जब आप भी सिंगल प्रेस करोगे ये होगा, डबल प्रेस करोगे तब ये होगा। वही सेम फंक्शनलिटी आपको इसके साथ देखने को मिलने वाली है, जिसको अलग अलग तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हो। और अब तक जितने भी प्रो मॉडल्स आते थे आईफोन के साथ, वहां पे आपको मिलती थी मेटेलिक फ्रेम, लेकिन अब टाइटेनियम फ्रेम आपको देखने को मिलेगी। और जैसे ही टाइटेनियम फ्रेम आईफोन में पड़ेगी ना, इसकी खूबसूरती में 4 चांद और 2 सूरज पक्का लग जाएंगे, और आपके 2 सूरज छिन जाएंगे क्योंकि प्राइस भी बढ़ जाएगी। ये भगवान क्या जुल्म है। और अब एक कतई जिंदा सच कि भाई डिस्प्ले की तरफ क्या मिलने वाला है, नोच या फिर डायनेमिक आइलैंड, ये सदी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो भाई ये चारों के चारों फोन देख लो, सबके अंदर डायनेमिक आइलैंड है। इस बार कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 15 लिया है चाहे 15 अल्ट्रा लिया है, सब में मिलेगा डायनेमिक आइलैंड। सामने की तरफ से कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने 14 प्रो पकड़ा हुआ है या फिर 15। पर इतना अच्छा अच्छा सोचना भी भाई अच्छा नहीं होता है, सुगर हो जाती है कई बार इतनी मीठी मीठी चीजों से। तो एक झटका देता हूँ कमाल का कि यहाँ पे आ जाओ 15 प्लस एंड 15 जो है, अगेन इसके साथ 60 हर्ज की डिस्प्ले मिलेगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन आईफोन 15 जो है उसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, बहुत थोड़ा सा फील आपको नजर आएगा, पर डे टू डे लाइफ में इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लिटरली कुछ भी नहीं। और लीक्स के अकॉर्डिंग ये आईफोन 15 प्रो इस बार और कम बेजल्स को लेके आएगा, और सबसे कम बेजल्स आज तक के ये 15 अल्ट्रा लेके आने वाला है, जहां पे आपको ऑलमोस्ट डिस्प्ले ही मिलने वाली है, कोई बेजल्स होंगे ही नहीं। और ये जो प्रो मॉडल्स हैं आईफोन के इस बार 2500 2500, कहना क्या चाहते हो, 2500 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस को लेके आएंगे भाई, मतलब आप जुगनू चमकाओ डिस्प्ले से। और साथ ही आईफोन 15 सीरीज एप्पल A17 बायोनिक चिप को लेके आएगी, जो 3nm की आर्किटेक्चर में बना हुआ है। भाई ये बाल से भी बहुत कम साइज होती है, और इसीलिए आईफोन की परफॉर्मेंस एकदम फाड़ के चल जाती है। और अब तक कोई भी फोन या उसका प्रोसेसर 3nm के आर्किटेक्चर पे बना ही नहीं है, और इन आईफोन्स की जो परफॉर्मेंस है वो 35% से इंक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू आईफोन 14 सीरीज। और कुछ टाइम पहले स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 के भी लीक्स निकल के आए थे कि इसके अंतुतु बेंचमार्क 0.7 मिलियन। भाई ये परफॉर्मेंस कहां तक जाएगी, फोन से एक दिन गाड़ी दौड़ा रहे होंगे। और ये डमीज बता देते हैं कि इस बार जो आईफोन 15 सीरीज है उसका बम्प और ज्यादा बड़ा होने वाला है। भाई ठीक है, बड़ी चीजें अच्छी लगती हैं, पर इतनी कितनी बड़ी राजा जी। और न्यू सीरीज में इस बार सोनी का सेंसर और पेरिस्कोप लेंस भी मिल सकता है अकॉर्डिंग टू लीक्स। हमें नहीं पता भाई, मतलब जो अब तक हम 3x मैक्स जा सकते हैं एक अच्छी क्वालिटी में क्रॉप करने के लिए, वही अब हम जा पाएंगे 6x तक। तो भाई डबल है, और डबल में मजे भी डबल। बाकी वो बैटरी में कितना 15mAh 30mAh कितना बढ़ने वाला है उसके अभी कोई आसार नहीं है, लेकिन आईफोन की बैटरी ऑलरेडी कमाल चलती है, तो मुझे लगता है कि इसके लगभग ही स्टक रहने वाली है बिल्कुल, क्योंकि मेरे को इस आईफोन को यूज करते हुए ऑलमोस्ट 8 महीने होने को आए हैं, और ये 1 से 1.5 दिन आराम से चलता है, और अभी भी इसकी बैटरी हेल्थ 97% है। तो बैटरीज में तो उखाड़ा है एप्पल ने लिटरली। और बाकी अब बात करें लॉन्च की, तो वही सितंबर मंथ में सारे के सारे आपको आईफोन देखने को मिलेंगे, और फर्स्ट डे ही हम आपके लिए पूरा प्लान करेंगे कि पूरी आईफोन सीरीज आपके सामने हो। और बात करें प्राइस की, तो आउट ऑफ इंडिया $200 बढ़ के आ सकते हैं, तो इंडिया का डायरेक्टली वो ₹20,000 बढ़ के आएंगे पिछले बार के कंपेयर में। भाई इस बार किडनी ही नहीं नेत्र भी दान करने पड़ेंगे साथ में, और जब नेत्र ही दान कर दीजिएगा तो कैसे चलाइएगा। बाकी आप लोग इस 15 सीरीज के लिए पैसा कहाँ से जुगाड़ रहे हो थोड़ा नीचे लिख के बताओ, ताकि हम भी वहाँ से हाथ पैर मारे। बाकी वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है, आई होप आपको पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोक देना, और हम मिलेंगे आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए।